अनोखी रसोई में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, हमारी अनोखी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मिठाई। मिठाई बनाएंगे सिर्फ तीन चार चीज़ों से। ये बरूदा है, ये मिल्क पाउडर है, ये चीनी है, ये इसको हमने मिक्सी में पीस लिया है, ये थोड़ा सा दूध है। चाशनी नहीं बनाएंगे, बिना चाशनी की बनाएंगे दो रंग की मिठाई। सबसे पहले हम ये चीनी डालेंगे पिसी हुई, ये मिल्क पाउडर डालेंगे, फिर ये बरूदा डालेंगे। बरूदा हमने घर पे ही बनाया है, जैसे हमने पहले वीडियो में बनाया था। इसको हम ऐसे हाथों से मिक्स करेंगे। देखो, इसको हमने ऐसे मिक्स कर लिया और अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। देखो, ये हमारा मिठाई का सामान तैयार हो गया। इसमें बस आधा ही कप दूध लगेगा। अब इसके हम दो हिस्से करेंगे। इसमें हम थोड़ा पिंक कलर मिलाएंगे। देखो, ये हमारा पिंक कलर का मिठाई का सामान तैयार होगा। ये वाइट है। अब हम इसको दिखाएंगे कैसे बनाएंगे। देखो, हम एक थाली लेंगे, उसमें ऐसे घी लगाएंगे और इसको ऐसे ऐसे करेंगे। देखो, हमने पिंक कलर की मिठाई तैयार कर ली। अब व्हाइट कलर की ऐसे करेंगे, इसको भी ऐसे कट करेंगे, इसको भी ऐसे ही करेंगे। ये हमने फॉइल पेपर रख लिया, इसको हम ऐसे करेंगे, इसमें ऐसे फोल्ड करके इसको हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। इससे ये अच्छे से जम जाएगी। देखो, हमने इसको फोल्ड पेपर में रखा था, 10 मिनट के लिए रखा था फ्रिज में। देखो, ये अच्छे से जम गई। और दूसरी भी हमने इसमें ही रखी थी। देखो, दूसरी भी हमने इसमें ही रखी थी, वाइट की तरफ पिंक कलर की, पिंक की तरफ वाइट कलर की। इसको ऐसे एक जगह मिला लेंगे। देखो, हमारी मिठाई तैयार हुई। अब इसके ऐसे पीस काट लेना, एक एक करके ऐसे ऐसे रख लेना। देखो, कितनी अच्छी है। देखो, हमारी दो रंग की मिठाई कितनी अच्छी बनी। और जो ये इधर उधर टुकड़े होते हैं ना छोटे छोटे, उनके ऐसे लड्डू बना लेना। देखो, कितनी अच्छी है। ऐसे करके जो टुकड़े बच जाए तो उनके लड्डू बनाना। कितनी अच्छी मिठाई बनी, कितने अच्छे लड्डू बने। होली दिवाली पर अपने दोस्तों को रंग बिरंगी मिठाई खिलाना बनाकर, और देखो वे कितने खुश हो जाएंगे जैसे हमने आपको दिखाई है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका बहुत